हेलो फ्रेंड, तो गुड मॉर्निंग टू वेलकम टू बैक माय चैनल टू इन अमनियनी का। चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो सुप्रभात, बज रहा है 5:30 और देखिए धूप कितना तेज निकल आया है। बस मैं आ गया हूँ टेरेस पे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, सोना भी स्टार्ट कर रही थी ब्लॉग। चलिए वही डेली का रूटीन, उठ तो जाता हूँ मैं, किसी कारण से मैं कर नहीं पाया ब्लॉगिंग स्टार्ट। बस आ गए हैं टेरेस पे ना, वही डेली का जो होता है। हाँ फ्रेंड, तो भर रही है अब तक बाल्टी, करिए हमारे भोलेनाथ के दर्शन। जय भोलेनाथ। अभी एक दो दिन से मौसम थोड़ा सही है, गर्मी काफ़ी कम है, क्योंकि शाम को डेली मौसम थोड़ा सा होता है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। पेड़ भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं इस समय। अभी नीचे चल के एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं फूल तोड़ के आया हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ चल के। ये बाल्टी देते हैं पेड़ों में पानी, उसके बाद मिलते हैं आपसे नीचे। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए आज फूलों का सुबह तोड़ने गया तो इतने ज़्यादा फूल आज पहली बार देखा मैं इतने टाइम में। यहाँ पर इतने टाइप के फूल और जासून के काफ़ी ज़्यादा फूल, सारे पेड़ों में ऐसा नहीं है एक, सारे पेड़ों में इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे कि आज काफ़ी ज़्यादा फूल मिल गए। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे। देखिए फ्रेंड, तो ये जासून आज पूरा काफ़ी ज़्यादा भर चुका है पूरी थाली। देखिए इस तरीके से, ये मेरी बेलपत्री भोले शंकर के लिए, कनेर के फूल, ये मोगरा, चांदनी, काफ़ी ज़्यादा फूल आज मिल गए हैं। बहुत ज़्यादा फूल आज सारे पेड़ों में, ऐसा नहीं एक, सारे पेड़ों में बहुत ज़्यादा फूल आज खिले हुए थे। बल्कि गर्मी के सीज़न में इतना फूल आता नहीं है, अभी डेली में जा रहा हूँ तो यही दो चार मिल गए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ही फूल खिले हुए थे। तो मन अच्छा लगता है, अभी अच्छे से मंदिर सज जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलिए लगते हैं हम वही सुबह का काम, अभी सब सो रहे हैं। सुबह के काम यही छोटे मोटे, जैसे भगवान को उठाना, कूलर में पानी भरना। अभी सभी अंदर देखिए दरवाजा लटका हुआ है, क्योंकि गर्मी कल रात में लग रही थी, मौसम हुआ था लेकिन रात में फिर 12 के बाद थोड़ा सा गर्म लगने लगा तो सभी अंदर सो गए। अभी सभी लोग सो रहे हैं, मैं उठ चुका हूँ, बनाऊँगा चाय, चाय पीऊँगा। मेड भी आती होगी, वो अपना काम स्टार्ट करेगी, बैठ कर थोड़ा वीडियो वगैरह डालना, चाय पीऊँगा और वॉशिंग मशीन में पानी भरना, कूलर में पानी भरना, ये सब काम में लगता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे। हमने नहा लिया है और इनकी यहाँ पर जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इन्होंने पूजा स्टार्ट कर दिया। अभी ऊपर भोलेनाथ की पूजा करने गए हैं और फिर यहाँ की पूजा होगी। वो आज बच्चों के लिए बना रही हूँ छोले, तो ये मैंने छोले बॉईल होने रख दिए हैं जिससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। ये रात में फुला दिया था और अब मतलब इसको उबालने के लिए रखे हुए हैं बॉईल होने के लिए। और चलिए चलते हैं तो पेड़ों में पानी डालते हैं, जहाँ वहाँ पर ये भी पूजा कर ही रहे हैं। चलिए ऊपर हाल दिखाते हैं। और इस समय तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना तेज धूप हो रहा है इस समय। चलिए चलते हैं टेरेस्ट पे। फ्रेंड्स ये देखिए पेड़ों में इन्होंने पानी डाल चुके हैं, मैं लेकर ही आई थी बाल्टी की डालने,
लेकिन यहाँ सुबह ही इन्होंने डाल दिया है। और यहाँ ये देखिए भोलेनाथ की पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है इनकी। इनकी पूजा भी होने लगी है। चलिए चला जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चों को प्रॉमिस किया था कि आज बनना है छोले, तो ये देखिए छोले जो हैं मेरे बॉईल हो चुके हैं इस तरह से, और मसाले को रेडी कर लिया है। रोटी मैंने पहले सेक ली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। बच्चों को पूरी सेकना तो उनका आटा रखा होगा, ये छोले पूरी खाते हैं। पनीर वगैरह में रोटी खाते हैं, तो छोले बनेंगे तो हम पूरी खाएंगे। तो इस तरह से मसाले को पहले फ्राई करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। और अभी तो तीनों बच्चे मम्मी आज सो रहे हैं, ये कुछ अपने काम से गए हुए हैं। 10:30 हो गया है यहाँ पे। अपना मैंने अपना ही मतलब ब्लॉग लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और बस काम करती जा रही हूँ और अपने ब्लॉग्स भी देखती जा रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत ना अपने ब्लॉग्स जो होते हैं ना, मैं अपने घर में मेरे जितने मोबाइल हैं मैं सब में देखिए मैंने अपना ब्लॉग पर चला दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए सब में मेरे ब्लॉग्स चल रहे हैं। और ये देखिए ये एक मोबाइल, ये एक मोबाइल, और यहाँ तो टीवी चल ही रहा है, फिर ये एक तीसरा मोबाइल। तो इस तरह से सारे मोबाइल्स में, टीवी में हम अपना ही ब्लॉग लगाए हुए हैं, और जिससे कि ना वॉच टाइम बढ़े, तो इसलिए भी, और क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ना एक ब्लॉगर के लिए कि उनका वॉच टाइम अच्छा रहे, तो बस यही है। और आप भी हमारे वीडियोस ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी पार्ट अच्छा लगता है उस पर भी कमेंट करिए, जो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप उसमें कुछ चाहते हैं कि मैं सुधार करूँ, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, तो हम उसको ज़रूर रिकवर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए छोले फटाफट से, और फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये निकवड़ी है, ब्रश हो गया, ब्रेकफास्ट हो रहा है। अरे सॉरी, हाँ आज उठाया नहीं, आज इसीलिए अपने मन से उठे ना। तो ये देखिए फ्रेंड 11 बजे है, यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, और ये भैया जी मम्मी जी का भी ब्रेकफास्ट अभी उठे से ही जा रहे हैं सब। भाई जी अभी इनका ब्रश भी नहीं हुआ है, बाकी का ब्रश होके ब्रेकफास्ट चालू है। ये आ चुके हैं अपना काम से, और भाई जी अब फ्रेश व्रेश होंगे तब इनका ब्रेकफास्ट होगा। और यहाँ पे आप देखिए मेरा जो मेरी छोले की सब्जी पुलाव बन के रेडी हो चुका है। रोटी तो मैंने आपको बताई थी, सेक ली थी मैंने, और इस तरह से यहाँ पे बच्चों का पूड़ी का आइटम रेडी है। इनसे दही मंगाया है मठा बनाने के लिए, तो चलिए लग जाते हैं, हम मठा बनाते हैं और फिर लंच से फ्री हो गए फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ, क्यों चिड़ 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 कर रहे हैं? बाहर क्या फिश? हाँ ये कुछ ऐसे फ़ोन का वो बना है। देखिए आज कितने अच्छे जासौन के जो ये फूल लाए थे, इस तरह से पूरे भगवान को सबको चढ़े हुए हैं, तो कितना प्यारा ये आज का मंदिर हमारा लग रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही, बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है। और ये देखिए अब ये इनका लंच आ चुका है, इनका वही जीरा राइस और छोले। तो चलिए इनको खिलाते हैं, और आज सुबह से ही मेरा ब्लॉग लगा हुआ है, देखिए मेरे ब्लॉग हम लोग देखते हुए, और ये अपनी इनको मैं लंच कराऊंगी। भाई जी पापा के साथ कुछ काम से गए थे तो आ चुके हैं, और बस चलिए अब इनका फ्रेश व्रेश होंगे ये, और फिर हम लोगों का लंच होगा। आप देख सकते हैं गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, तो यहाँ भैया जी की पूरी की तैयारियाँ चल रही हैं, उसकी पूरी सेकना है, और यहाँ अंदर मम्मी और इनकी प्लेट लगा के दे दी है खाते हुए। अरे हम भाई जी इंतज़ार में हैं कि कब इनका खाना आए, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी पूरी सेकते हैं अपन, चलो। अरे यार हो रहा है इसका, चलिए। तो ये देखिए अब मैंने कहा कि भी पूरी और छोले आ चुकी है, मतलब जीरा राइस और छोले एक बार खा चुकी हैं, पीछे ये भी बैठ चुके हैं, तो तीनों को खाना दे दिया, अब मैं बैठूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए लोगों को खाना, मम्मी लोग ये और मम्मी जी वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, ये बच्चे इधर है, और मैं भी अब अपनी लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स सभी का लंच जो है सबका हो चुका है, और सभी लोग लेट भी चुके हैं। अब नहीं यानी कहा साहब एसी वाले रूम में अंदर, ये यहाँ आप देख सकते हैं चले गए, यहाँ रूम में कोई भी नहीं है। ये मैं ऊपर से कपड़े उठा के लाई हूँ, पहले मैं कपड़े डाल के आई हूँ,
और फिर उसके बाद मैं बैठी हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब मैं ही रह गई थी तब अपने हिसाब से हमको करना है। और आज जो है मतलब कल जो है मेड नहीं आएगी, कल यहाँ पर हमारे इधर वोट है फ्रेंड्स, तो यहाँ बंद रहेगा, मतलब लड़ाई वड़ाई होती है इसलिए वैसा रहेगा, तो वो नहीं आएगी। तो आज सारा काम बर्तन बर्तन सब धोना है अभी, तो सब अब खाली करके करूँगी। भैया जी अपना अंदर रूम में वो अपना बैठ चुका है, खेल रहा है। उसके बाद फिर है तो मम्मी जी ये सब इधर अंदर रूम में, बस मैं लगी हूँ काम में अपने। उसके बाद मैं भी जो हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जब अपने काम से फुर्सत हो जाऊँगी। तो चलिए हम करते हैं फ्रेंड्स काम। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे किचन का हाल किस तरह से है, तो चलिए अब इन सबको हम समेटते हैं। चलिए फटाफट से बर्तन और ये जो भी है सबको समेटा जाए। चलो तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने किचन को बिल्कुल चमचमा दिया है, साफ कर लिया है, सारे बर्तन जो थे वो भी सब जमा दिए हैं, धो के रख भी दिए हैं, मतलब धो के जमा के रख दिए हैं। और अब बस बैठूंगी थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखूंगी, और फिर जब तक इनके ऑफ़िस जाने का टाइम भी होगा ये भी रेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि ऑफ़िस भी जाना है। तो ये देखिए 1:45 हो चुका है, काम से फ्री हो चुके हैं सारे कामों से, फिर तो बैठते हैं बस और करते हैं वीडियोस वगैरह एडिट और फिर रेस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स फ्री होकर अभी लेटे ही थे कि सारे कपड़े गीले हो गए होंगे, बारिश आ गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया और बारिश होने लगी है। तो चलिए कपड़े उठाते हैं फ्रेंड्स, सब गीले हो रहे हैं फटाफट से लीजिए। थोड़ी देर से अभी खुल जाएगा, लग तो रहा। तो फ्रेंड्स कपड़े उठा लिए हैं और अचानक से ही बारिश आ गई, इन्हें जाना था साइकिलिंग करने, ये साइकिलिंग का पूछ रही थी अपनी, पर बारिश होने लगी तो मूड ऑफ हो गया है। तो वही मैंने कहा कि रुक जाएगा जब तब चल जाना, तो चलिए उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, हम लोग के ऊपर तो है नहीं। और ये भी उठ चुके हैं और रेडी होने लगे हैं, ऑफिस का टाइम होने लगा है। जैसे ही क्या बारिश हो चाहे रुके चाहे होती रहे, जाना तो है ही ऑफिस। और यहाँ पे देखिए क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने, पूरे ये देखिए खिलौने नीचे पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये अपनी निकाह का डेली दिन भर का यही है, बस यही है और कुछ भी नहीं है इनका, ये बस यही फैलाना उधम यही करती रहती है पूरे टाइम। तो मैंने कपड़े भी यहीं रख दिए हैं क्योंकि गीले हो चुके हैं। चलिए बैठते हैं और इनको ऑफिस के लिए रवाना करते हैं। पानी रिमझिम हो ही रहा है और ये इस तरह से जाते हुए ऑफिस, ये देखिए क्योंकि गर्मी में इस तरह की बौछार का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना, इसलिए इसको एंजॉय करते हुए ये जा रहे हैं। हल्की हल्की बौछार पड़ती रहे तो मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से देखिए मौसम खुला दिख रहा है, आप देख सकते हैं मौसम पूरा साफ है, मौसम पूरा साफ है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी बारिश हो रही है। ये देखो आप मौसम देखिए, आप साफ दिख रहा है ना आपको, पापा ऐसे करके बारिश के पापा के मुंह में, ये देखिए हाँ, लेकिन यहाँ बारिश फिर भी रिमझिम होती जा रही है, ये आपको दिख रही होगी। तो चलिए हम चलते हैं अंदर, बारिश ये देखिए रुक चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह से। और अवनी अनिका जो है ना वो जा रही हैं फिर से दोबारा नहीं, मतलब बारिश रुक गई है तो अब साइकिलिंग करने के लिए दोनों निकल पड़ी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, संभल के चलाना अनिका, आराम से गिरो ना, हाथ उधर मत जाना अनी, संभल के हाथ में ना लगे फिर से, ठीक है, गिरो ना, बाय।
फ्रेंड्स, दोपहर की शाम की मतलब चाय वगैरह हो गई। आज भी ब्रेकफास्ट जो स्नैक्स खाया जाता है तो वो सत्तू का हम लोगों ने किया है। ये लोगों को बहुत पसंद है, मम्मी को, इनको, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है फ्रेंड्स। तो बस ये देखिए, अब अपनी निका को रेडी कर दिया है, चेंज करा है दोनों का और रेडी करके दोनों को साइकिल चलाने के लिए दिया है। तो ये देखिए दोनों आराम से खेलती हुई अपनी निका साइकिल चला रही हैं, बाइक करती जा रही हैं और खेलती भी जा रही हैं, एक इधर। ये एक हाथ से ही चला रही है, पर हाँ चलाती जरूर है। क्या है, छोड़ो, कुछ ऊंचा नहीं उठाया करो नीचे का। हाँ तो गिरे रहने दो, किसकी है हमको क्या पता, नीचे का नहीं उठाया करो। ओके तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस से फ्री हो चुकी हूँ और अब हम लोग को थोड़ा सा मुझे काम है शॉपिंग में। मैंने दुपट्टा दिया हुआ था, काफ़ी टाइम से दिया है, मैं भूल गई हूँ, तो वही लेने जाना है दुपट्टा सिलने के लिए दिया था। तो चलिए, अपनी निका भी दोनों साथ में जा रही हैं, तो चलिए होके आते हैं आप मार्केट से। थोड़ा बस मार्केट से आ चुके हैं, जो भी सामान लाना था लेके आ गए। भैया जी के रजिस्टर, पैन, नमकीन, इनके लिए कल कढ़ी बनना है तो दही, और अब आ चुकी हूँ किचन में डिनर की तैयारी में। तो ये बच्चों की पूड़ियाँ सेकना है और फिर हम लोगों का रोटी, तो चलिए हम बनाते हैं, मिलते हैं। सभी लोग साथ में खाते हुए हम लोग निकल चुके, वो पापा ही आ गए फ्रेंड्स वॉक पे, आप भी निकले ही हैं। और ये देखो, ये पापा आ गए यहाँ पे, देखो चलो। ये देखिए, ये लोग साइकिल से पहले पहुंच चुके हैं और जाके बैठ भी गए हैं। और कहाँ, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, साइकिल क्यों ऐसे कर रही हो? देखिए दादा की साइकिल गिरा रही है। अब नहीं, कल से बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स, पापा का तो डिनर वगैरह हो गया और यहाँ पे अपनी निका का डांस स्टार्ट है। ये देखिए, यूट्यूब यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे ये अनिका अभी डांस कर रही है। फिर ये अभी एंकरिंग कर रही थी, ये देखिए इनका माइक दिखाना, ये इनके माइक, और इस तरह से एंकरिंग कर रही है कि अनिका श्रीवास्तव डांस करने आई है। फिर अनिका के डांस के बाद अवनी करेंगी, तो इस तरह से ये देख पा। फ्रेंड्स ये देखिए, होने लगी है गाय की तैयारी लस्सी की। तो समर सीजन में डेली नाइट में कुछ चाहिए इन बच्चों को, मैंगो शेक, लस्सी, जूस,
तो लस्सी तो मेरी भी फेवरेट है, तो जैसे कि आपको बताया ही, तो आज तो इन तीनों को लस्सी का चाहिए है। अरे अरे अरे, देखिए यहाँ ये पानी गिरा रही है, अभी और ही होगा। तो चलिए फटाफट देते हैं इन लोगों को लस्सी और फिर बनते हैं। तो अभी थोड़ी बन चुकी है, थोड़ी और बनेगी, जितनी एक बार में होती है उतनी बनाती हूँ, फिर दोबारा फिर बनाती हूँ, तो यही चलता है बस। तो ये देखिए एक ये बन चुकी है, देखते हैं कितनी ग्लास बनी है। चलिए लस्सी ये देखो भाई, लस्सी दूध आया, थोड़ी सी और। तो फ्रेंड्स आ चुकी है लस्सी, गरम गरम लस्सी, गरम गरम तो नहीं है। अरे वो पापा की फो 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 ये चुकी है, दादी माँ नहीं पी रही है क्योंकि उनको उनका दूध रख दिया गया है, वो उनको थोड़ा सा सर्दी खांसी हुई है फ्रेंड, तो वो नहीं पी रही है। बस हम लोग बैठ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। एक्चुअली गर्मी बहुत है तो वो दूसरे रूम में बैठा हुआ था, मैंने उसको बुला लिया। बस अब हम लोग बैठ के लेते हैं लस्सी के मज़े। और ये सोनम उठ के कहीं कुछ भूल आई है लग रहा, चलिए लेते हैं लस्सी के मज़े। आप ले आइए, इंजॉय करिए। क्या भूल गई? दादी माँ दादा